भी आरोप लगाया कि हिस्ट्री सीटर लल्लू यादव के साथ आप भी काम किए हुए, उन्होंने एक एग्रीमेंट का पेपर दिखा रहा था जिसमें उनकी पत्नी और आपके पत्नी के साथ एग्रीमेंट हुआ है। जी जी, हम बोला चूंकि हम पैसे से अधिवक्ता हैं और हमारे पास हिस्ट्री सीटर हो चाहे अपराधी हो चाहे कोई हो, कोई आता है तो मेरा फर्ज बनता है हम उसकी पैरवी करें। 2005 में यह इसका पृष्ठभूमि लल्लू यादव का एक सामान्य व्यक्ति का था। अच्छा, ये मामला 2005 का है क्या? 2005 का, 2005 का सामान्य व्यक्ति का था। उस समय मैं अपनी बहन की शादी के लिए 5 लाख रुपए में अपनी जमीन उसकी माँ के नाम रजिस्ट्री बहनामा की और उसमें 2 लाख रुपया उसने हमको दिया और 3 लाख रुपया कहा कि हम बाद में देंगे। 3 लाख रुपया आज तक नहीं दिया। 2018 में एक जमीन हम अपनी पत्नी के नाम लिखाने गए कि भाई पुरखों की जमीन हम बेचे हैं तो उसके एवज में अपनी जमीन कुछ कर लो। मैं 2018 में लिखाने गया तो उसमें उसने जो है कहा कि हम आपका पैसा जो हम दे देंगे, हमको भी जमीन इसमें लिखा ले। हम ठीक है भाई, हाँ पैसा दो तुम भी लिखा लो। वह जो उस जमीन में वह उसकी पत्नी और मेरी पत्नी ने बहनामा लिया और कहा कि अपना पैसा ले लीजिए। 7 लाख रुपए का चेक दिया मुझे और वह चेक डिसऑनर हो गया, चेक बाउंस हो गया, चेक बाउंस हो गया। अपना किया, मैंने NIA दाखिल किया, अभी मैं न्यायालय में पेंट कर रहा। यह हमारे बगल में अनिल त्रिपाठी हैं, 2 दिन पूर्व जर्नलिस्ट प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता करके कुछ लोगों के द्वारा अपनी जमीन को जबरियन कब्जा करने का आरोप लगाया था। हालांकि कल दूसरा पक्ष भी यहां पे मौजूद था और अपनी बात रखा था, इनके ऊपर भी आरोप लगे थे कि इनके द्वारा जो डॉक्यूमेंट दिखाए जा रहे हैं वो निराधार हैं। तहसील प्रशासन के द्वारा उन्होंने जांच करवाकर न्यायालय से उनके पक्ष में फैसला आया, ये भी बात उन्होंने कहा। और आप फिर अनिल त्रिपाठी आज प्रेस वार्ता कर रहे हैं, इनसे जानेंगे। ये बताइए, वो भी कल प्रेस वार्ता किए, आप 1 दिन पूर्व किए, आप पे आरोप लगा कि जो कागजात आप दिखा रहे हैं वो कागजात सही नहीं है, न्यायालय से उनके पक्ष में फैसला आया है। जी, यही हमको दिखा दें न्यायालय का जो आदेश है, थोड़ा सा हम पढ़ दे रहे हैं। न्यायालय का आदेश है, अवर न्यायालय के समक्ष बाद प्रतिवादी गण का नाम जुगल किशोर पांडे, अशोक कुमार, अमित कुमार, विकास कुमार, विक्रम कुमार है और इसी नाम से अपीलार्थी गण द्वारा अपील दाखिल की गई है, परंतु अपील कर्ता गण द्वारा जो सुलहनामा दाखिल किया गया है उसमें अमित नाम की जगह प्रतिवादी संख्या 3 अजीत कुमार का उल्लेख किया गया। सुलहनामा किससे हुआ है? ये अमित अजीत जो इनको एग्रीमेंट किए हैं उनसे सुलहनामा हुआ है। आपका सुलहनामा हुआ है? जी जी, कोर्ट में हुआ है 19 में, किसी जमीन के बाबत मैं बता दे, पहले ये हम बता दे उसके बाद से हम विस्तृत बता दे रहे हैं। और अजीत कुमार का उल्लेख किया गया है। अजीत कुमार कौन है? ये अमित और अजीत दो नाम से एक आदमी थे। जब दावा किया गया तो उसमें अमित लिखा गया, जो पुलिस में FIR हुआ था उसमें उसने अपना नाम अमित बताया था। जो सुलहनामा दिया गया, जो बैंक से ट्रांजेक्शन मैंने उसको दिया है, चेक दिया है, वह अकाउंट जो है अजीत के नाम से है। तो न्यायालय ने कहा अमित है या अजीत है, मैंने कहा कि श्रीमान या अजीत है या अमित है, इनसे एफिडेविट लेके आप क्लियर कर लीजिए। यही मामला अभी न्यायालय में पेंड कर रहा है, कोई डिसीजन फाइनल नहीं है। यहाँ लिखा है चूंकि अपीलार्थी गण रिस्पॉन्डेंट सुलहनामा के समक्ष न्यायालय में उपस्थित नहीं आए हैं, ये चीज है। न्यायालय में उपस्थित नहीं आने के कारण एक्स पार्टी आर्डर, मैंने कहा कि हमारी बात जो है वह अमित और अजीत कंफ्यूजिंग है, उसे आप न्यायालय दोनों को बोलकर तलब करके उसको डिसाइड करें। ये माननीय न्यायालय के पास मामला सब जुडिस है। न्यायालय के साथ जो सुलहनामा हुआ उसमें पक्ष ने जो इनको एग्रीमेंट किया है, अजीत, अमित, अशोक और विक्रम ने, उन्होंने लिखा है कि हम पक्षों के बीच अब कोई लेन देन नहीं रह गया है, हम मुकिरान द्वितीय पक्ष, मुकिरान प्रथम पक्ष के कब्जे में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं करेंगे। यह बयानामा जो मुकिरान द्वितीय पक्ष न्यायालय में उपस्थित होकर दिनांक 1/86 मंसूख करा लेंगे, इसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है। तो फिर ये इतनी चीजें आगे बढ़ कैसे रही, क्या दिक्कत आ रही? ये भूमाफिया है,
वो माफिया है, ये जो है थाने का दलाल है। और इसके बाद से मैंने परसों ही बताया कि यह तहसीलदार के बहुत ही पेटेंट आदमी है, और तहसीलदार से मिलके तहसीलदार अपने लेखपाल कानगो के भेज के जमीन कब्जा, फोटो दिखा रहे हैं हम, वीडियो दिखा रहे हैं, या किस नियम में किस प्राविजन में कोई विवादित जमीन जो न्यायालय में पेंट करता हो, चकबंदी न्यायालय में पेंट करता हो, हमारे उनके बीच पक्षों में 1916 हो गई हो, उसमें एग्रीमेंट बिना कब्जे का हो, और वह जो रकबा है वह भी 142 के बजाय 166 अब लिखाए हैं, और जो चौहद्दी दिए हैं वो भी फर्जी है। अच्छा, उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि हिस्ट्री सीटर ललपू यादव के साथ आप भी काम किए हुए, उन्होंने एग्रीमेंट का पेपर दिखा रहा था जिसमें उनकी पत्नी और आपके पत्नी के साथ एग्रीमेंट हुआ है। जी जी, हम बोला चूंकि हम पेशे से अधिवक्ता हैं और हमारे पास हिस्ट्री सीटर हो, चाहे अपराधी हो, चाहे कोई हो, कोई आता है तो मेरा फर्ज बनता है हम उसकी पैरवी करें। 2005 में यह इसका पृष्ठभूमि ललकू यादव का एक सामान्य व्यक्ति का था। अच्छा, ये मामला 2005 का है क्या? 2005 का, 2005 का सामान्य व्यक्ति का था। उस समय मैं अपनी बहन की शादी के लिए 5 लाख रुपए में अपनी जमीन उसकी माँ के नाम रजिस्ट्री बैनामा की, और उसमें 2 लाख रुपया उसने हमको दिया और 3 लाख रुपया कहा कि हम बाद में देंगे। 3 लाख रुपया आज तक नहीं दिया। 2018 में एक जमीन हम अपनी पत्नी के नाम लिखाने गए कि भाई पुरखों की जमीन हम बेचे हैं तो उसके एवज में अपनी जमीन कुछ कर लो। मैं 2018 में लिखाने गया तो उसमें उसने जो है कहा कि हम आपका पैसा जो हम दे देंगे, हमको भी जमीन इसमें लिखा दे। हम ठीक है भाई, हाँ पैसा दो, तुम ही लिखा लो। वह जो उस जमीन में वह उसकी पत्नी और मेरी पत्नी ने बैनामा लिया और कहा कि अपना पैसा ले लीजिए, 7 लाख रुपए का चेक दिया मुझे, और वह चेक डिसऑनर हो गया, चेक बाउंस हो गया। अपना किया, मैंने NIA दाखिल किया, अभी मैं न्यायालय में पेंट कर रहा। यह अपराधी है, यह किसी के नहीं होते हैं। मेरा ललकू यादव से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है। यह कभी हमारे गांव के उनकी माँ प्रधान है, कभी रहे हो उनके भाई के साथ मैंने उनका सहयोग किया है, उनका मुकदमा लड़ा है, यह मैंने किया है, और यह मेरा फर्ज होता है। कोई मेरा दुश्मन भी आता है मेरे साथ तो मेरा चलने का उसके साथ मेरा फर्ज होता है। मेरा अपराधियों से कोई, ये छोटू सिंह है हमारे, कल छोटू सिंह ने कहा कि एक कागज दिखा रहे थे, कहे कि न्यायालय से जो है फैसला जिला जज स्तर का फैसला उनके पक्ष में, यही मैं पढ़ के सुनाया हूँ आपको, यही जिला जज का फैसला है। तो फिर वो भी तो एक फैसला सुना रहे थे, फैसला है यही फैसला है। उसको पढ़ने के लिए थोड़ा सा किसी अधिवक्ता का साथ ले ले, किसी पढ़े लिखे का साथ ले ले कि न्यायालय ने कहा है अमित है या अजीत है। अजीत के नाम पैसा लिया और अमित के नाम से जो है वह मुकदमा चला, तो न्यायालय ने कहा कि या तो आप अमेंडमेंट करिए, प्रोसीजर है उससे आइए आप। तो हमारा, हम वकील है, वकील प्रोसीजर पे काम करता है, न्यायालय के हर आदेश का पालन करता है। तो मैंने प्रोसीजर का फॉलो अप किया है और मैंने अमेंडमेंट दिया है कि यह अमित और अजीत एक ही नाम है जिन्होंने हमको सुलहनामा करके वो जमीन को हमको दिया है, और नहीं दिया नहीं है, मेरी जमीन थी, मेरे कब्जे को उन्हें स्वीकार किया है 2019 में या 23 में आया है। वो तो कह रहे हैं कि ये छपरा के रहने वाले, यहाँ इनका कुछ नहीं है। जी जी, ये भी बात सही है, मेरा मूल पैतृक निवास छपरा है, लेकिन मैं अपने पिताजी के ननिहाल निवास पे हूँ। अच्छा, वहाँ आपका निवासा है? निवासा है मेरे पिताजी का, मेरा नहीं, मेरे पिताजी का निवासा है, और पिताजी की पैदाइश उस वहाँ हुई है, मेरी पैदाइश हुई, मेरे बच्चों की पैदाइश हुई, मैं 70 साल से वहाँ हूँ, और मेरे प्रधान जी सुनाथ तिवारी जो हमारे पिताजी के मामा थे वो लगातार 45 वर्ष तक जो है वो प्रधान रहे। आज भी हम लोगों की जमींदारी है, 6 एकड़ था, 6 एकड़ जमींदारी के वो सीलिंग की जमीन का हम लड़ रहे हैं। उसने एक शब्द यह भी कहा कि यह भाई की जमीन हड़प ली है, भाई हमारे सामने है, हमारा पारिवारिक मैटर है, आप इनसे पूछ ले, अगर किसी तरह का कोई बात होती है तो हम उसका भी जवाब। यह हम लोग अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए हर स्तर तक जाने को तैयार हैं, क्योंकि अगर आप आए हैं
आपको अमित अजीत अशोक और जिसने मुआवजा बय किया है वो बिना कब्जे का किया है, उसी ने हमसे 10 लाख रुपया लेके मेरे कब्जे को स्वीकार किया। माननीय न्यायालय में अभी मामला विचाराधीन है, या तो माननीय न्यायालय का सम्मान करें, मौके पे तहसीलदार को लेके, पुलिस को लेके, 200 माफियाओं को लेके गुंडागर्दी न करें। जब तक बंटवारा न हो जाए, जब तक किसी सक्षम न्यायालय का तरफ से आपको आदेश न मिल जाए, इस संबंध में मैंने अभी तक कोई मुकदमा दाखिल नहीं किया है कि भैया जाली है, फर्जी है, नहीं दाखिल किया है अभी तक, क्योंकि अभी तो हम इसके बाद जा ही रहे हैं। मैंने एक आवेदन पत्र माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष दिया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका जिला है, ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमसे 10 लाख रुपया ले लिया, वह जमीन मुझे दे दिया, वही आदमी दूसरे को 50 लाख में तय के 5 लाख लेके उनको जमीन वही दे रहा है, यह एक ही जमीन दो दो आदमियों को दिया जा रहा है, और वह जमीन जो दिया जा रहा है उसमें न चौहद्दी सही है, न उसका रकबा 142 एयर का रकबा होता है, 166 एयर मेरी जमीन दिया गया। अमित त्रिपाठी थे, आज जनिश प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता कर रहे थे, कल जिनके ऊपर आरोप ये लगाए थे 2 दिन पूर्व प्रेस वार्ता करके, वो भी कल प्रेस वार्ता करके अपनी बात रखे, आज फिर ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं। इनका आरोप है कि जो पक्ष पर प्रेस वार्ता करके जो कागजात दिखा रहे थे उसमें आधे अधूरे डॉक्यूमेंट थे। बाकी अन्य खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ।